वो सब अपने हिसाब से कुछ न कुछ लिखते जरूर हैं, फिर कोई कैसे तय करे कि मैं एक ऐसा लेखक बन गया हूं जहां से मैं इसे अपना काम बना सकता हूं। एक्चुअली जितना मेरे को समझ आया, थोड़ा एक्सपीरियंस से भी सीखा हूं, मेरे पास तो नहीं है कोई फॉर्मूला। बस एक चीज़ दिमाग में रहती है कि जो लोग फिल्म देखने आ रहे हैं, हो सके तो उनके टाइम की वैल्यू बॉक्स ऑफिस या टिकट के बजाय उनके टाइम की वैल्यू समझो, क्योंकि वो शाम उनकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आने वाली। तो अगर उसकी वैल्यू को समझ के चलो और सोचो कि आप अपने नेबर्स को या अपने दोस्तों को या अपने परिवार को किसी को एक कहानी सुना रहे हो, तो बस ये समझ के सुनाओ कि किसी चाम से, किसी प्यार से कहना तो आप कुछ चाह रहे हैं, वो ज़रूर कहिए और सच्चाई से कहिए। बस कोशिश कीजिए कि लेक्चर ना दीजिए और अपने सेम लेवल पर बैठकर टाइम और एफिशिएंसी की कदर कीजिए उनकी शाम की। अभी तो मुझे इतना ही समझ आया। आपने कब लिखना शुरू किया? मैं व्यावसायिक लिखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक काम के तौर पर, एक करियर के तौर पर बात नहीं कर रही हूँ। आपने कब रियलाइज़ किया कि मैं एक्सप्रेस अच्छा कर लेता हूँ? एक्चुअली मैं एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर था, मैं आईटी कंसल्टिंग में था, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी थी और फिर एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर हो गया। उस वक्त समझ आना शुरू हुआ कि कुछ लिख लेता हूँ या कुछ बात कहने का एक तरीका कुछ निकल आता है, और अपने से ज़्यादा कि मुझे कितना कर पाता हूँ, प्यार होने लगा चीज़ों से कि कोई चीज़ साइलेंस से बेटर कही जाती है, कोई पोइट्री में बेटर कही जाती है, कोई प्रोज में बेटर की जाती है, कोई फीलिंग म्यूज़िक से ज़्यादा अच्छी होती है, कोई चुप्पी से ज़्यादा। तो वो जो टूल्स होते हैं, जैसे अपना जो टूल बॉक्स होता है, उन औज़ारों से प्यार होने लग गया कि ये करो तो ये भावना बेटर होती है, वो करो तो यहाँ पे गाने से करो, यहाँ पे ऐसे करो। तो वो करते करते फिर धीरे धीरे लोग बताने लगे, एडवर्टाइजिंग में कुछ अवार्ड्स मिलने लग गए, तो फिर समझ आया कि अच्छा इसी को, मतलब इसको अच्छा कहते हैं। क्योंकि मैं इंजीनियर था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि साहित्य के हिसाब से या इवन राइटिंग के हिसाब से कैसे जज करना है। तो धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा इसको कहते हैं, इसको अच्छा कहते हैं। पर ये इंजीनियरों के दिल में कौन सी कलाकार वाली चीज़ होती है? मैंने गायक से लेकर राइटर तक, ऑथर, सब इसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, ये क्या बात है? ये कौन सी इंजीनियरिंग है दिल की? मेरे को लग रहा है ये एक्चुअली इंजीनियरिंग का दोष नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का दोष है। क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि शायद हमारी 2-2.5% GDP तो इसी में मारी जाती होगी कि ज़्यादातर लोग जो करना चाहते थे वो नहीं कर रहे। तो यहाँ जो सिंगर बनना चाहते थे वो ब्रिज बना रहे हैं, फिर ब्रिजों का जो राइटर बनना चाहते थे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कोई कवि बनना चाहते थे वो डॉक्टरी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते थे वो बिजनेस कर रहे हैं। इतनी चॉइस कभी मिली ही नहीं, तो इस वजह से सब नौकरी के रीज़न से या एक फाइनेंशियल रीज़न से लोग करियर्स में ज़्यादा घुसे या घुसाए गए। एंड आई थिंक वो भी है कि जब हम लोगों की जनरेशन बड़ी होती है, एक हुआ था इंजीनियर का कि या तो इंजीनियर बन जाओ, अगर साइंस लिए तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो कुछ नहीं बनोगे। आई थिंक इट वॉज लिटिल लाइक दैट। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी, रादर मैंने ब्रांच चेंज कर ली, तो उसको मैं वैसे ही लिबरल आर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग कहता हूँ। तो वो तो इंजीनियरिंग भी बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, साइंस और आर्ट में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। मुझे तो लगता है कि साइंस में रोमांस नहीं है। नहीं, साइंस में बहुत कला है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल गिरा, कोई और आदमी होता वो कहता अच्छा सेब गिर गया, खा के घर चला जाता। अब ये साइंस का दिमाग है कि कलात्मक दिमाग है जो कह रहा है सेब गिरा क्यों, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ा, ऐसा क्या हुआ? तो बल्कि जो पुराने साइंटिस्ट थे उनको वो तो ज्ञान की एक कैटेगरी होती थी। हमारे जो मैथमेटिशियन होते थे, साइंटिस्ट आयुर्वेदा वाले होते थे, वो पोइट्री में लिखते थे ना सारे, तो सारी इसकी सारी साइंस तो हमारी पोइट्री में लिखी है। ये नज़रिया आपका बहुत अच्छा है, मैंने ये सोचा नहीं। आप सिर्फ एक लॉ नहीं लेकर आ रहे हैं बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि ये नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, यानी रचनात्मकता और कल्पना, एक तरह से कल्पना की उड़ान जिसे कहा जाता है। जिसको हम आउट ऑफ सिलेबस थिंकिंग कहते हैं,
कि जब तक आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं सोचेंगे आप वहीं फंसे रहेंगे। और जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, जो मैंने सीखा, सब आउट ऑफ सिलेबस, जो एक लीक थी या जो एक सड़क थी वो लेफ्ट हुए, राइट हुए, एक्सीडेंट हुए, बहुत एक साइंस में तो भरे हुए हैं एग्जाम्पल लोगों के जिनकी बहुत ही आर्टफुल और आर्टिस्टिक थिंकिंग थी। और हमारा जो काम है स्क्रीन राइटिंग, उसमें एक स्ट्रक्चर और एक साइंस है, उसकी एक कला भी है। जबकि मैं स्क्रीन राइटिंग में घुसा है ये सोच के था कि मैंने पहली बार एक यही दिल्ली में टेक्सन्स बुक शॉप है साउथ एक्सटेंशन में, तो मैंने वो किताबें खरीद रहा था, एडवर्टाइजिंग में होता था, तो एक किताब के पीछे लिखा था स्क्रीन प्ले ऑफ गांधी, तो मैंने कहा तो वही पिक्चर है जो हर बार इलेक्शन के टाइम आती है तो ले लेता हूँ। मैंने पढ़ा तो उसके जॉन ब्रायली एक राइटर है, उसका स्क्रीन प्ले था गांधी का। तो मुझे, मेरे कंप्यूटर इंजीनियर दिमाग को ऐसे लगा कि ये तो प्रोग्राम है पिक्चर बनाने का, मतलब इट्स अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इफ फॉलोड फेथफुली शुड रिजल्ट इन अ फिल्म। कि जैसे कंप्यूटर को आप बोलते हैं ये करो ये करो ये करो, हो जाता। तो मुझे ऐसे लगा ये तो बड़े काम की चीज़ है, कि मैं स्कूल में शुरू से साइंस और आर्ट दोनों मिक्स करना चाहता था, लेकिन CBSE है तो उन्होंने मानते नहीं थे। तो उसमें मुझे एक चीज़ मिल गई जिसमें एक साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन दिखा मुझे स्क्रीन राइटिंग में, कि एक स्ट्रक्चर है, एक साइंस है, कई सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन कला है, क्योंकि कंप्यूटर्स में न्यूमरिक्स, अल्फा न्यूमरिक्स, उनसे डील कर रहे हैं, यहाँ लोगों से और लोगों के इमोशन से डील कर रहे हैं। तो कई बार होता है ना, कोई पेशा लगता है कि यार मैं ठीक जगह पहुँच गया, ऐसा लगा। क्या रिस्क होता है इस चीज़ को चुनना की, मतलब आपके पास एक डिग्री थी जी, जिसके रास्ते आप बहुत हाई पेइंग जॉब्स की तरफ जा सकते थे, आपको हमेशा यकीन था कि आप जो फैसला ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, करियर चॉइस कर रहे हैं, वो आपको सही दिशा में लेके जा रही है? क्योंकि ये डाउट बहुत लोगों के मन में आता होगा जो लिखते हैं। मुझे शुरू में नहीं पता था, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी तो मैंने IT कंसल्टिंग में ही ज्वाइन किया, लेकिन उस वक्त यह था कि इंटरनेट इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब है, और जो हमारे आप समझ लीजिए अरमान थे एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, हम सिस्टम्स प्रोग्रामिंग और जिसको आज यूज़र इंटरफेसेस कहते हैं वो सब सोचते थे, लेकिन जो नौकरियां थी वो थी फैक्ट्रियों में कितने पुर्जे हैं उनकी इन्वेंट्री की या सैलरी स्लिप्स बनाने की, तो वो थोड़ा जिस रोमांस से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की था वो बिखर गया थोड़ा। तो फिर जैसा कि आज भी लोग करते होंगे, एक थोड़ा बदमाशी का सहारा लिया और बोला कि MBA में स्कोप है, हम MBA की तैयारी करेंगे ताकि नौकरी तो छोड़ो पहले, तो नौकरी छोड़ दी, MBA की तैयारी करनी शुरू की। तो आ गए इंटरव्यू कॉल्स, रिटन एग्ज़ाम्स, ये वो इंटरव्यू कॉल्स आ गए कहीं MBA इंस्टीट्यूट्स के। तो उसके बीच में मेरे कज़न हैं, वो दिल्ली के बाहर पढ़े हुए थे, वो आए थे, वो उनकी MBA थी तो वो जॉब्स ढूंढ रहे थे, तो वो एड एजेंसीज में जा रहे थे, और मुझे एडवर्टाइजिंग का बहुत शौक था, क्योंकि हम लोग छोटे थे तो क्या होता था, जिस तरह की तब हिंदी फिल्में बनती थी वो फिल्में एक जैसी होती थी, तो हम खेलने चले जाते थे, जब एड्स आती थी तो ऊपर आ जाते थे कि यार ये काम की चीज़ है, उसको VHS पे रिकॉर्ड कर लो, फिल्म तो सेम ही होती है, भाग जाओ नीचे। तो बिकॉज एड्स वर द ओनली थिंग विच वॉज डिफरेंट एक्चुअली, तो वो एक शौक था एडवर्टाइजिंग का, तो मैंने कहा चल मैं भी चलता हूँ। तो वहाँ गए तो मेरा भी एक बायोडाटा सा था, क्योंकि वो अपना MBA के इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू के लिए बनाया था। तो वहाँ गया एक एड एजेंसी में, तो वहाँ पे इसने अप्लाई किया तो मुझे दिखा पीछे ये एड्स के पोस्टर्स लगे हुए, और मैं पहचानता था काफ़ी ब्रांड्स को, मुझे अच्छा ऐसे होती है एडवर्टाइजिंग, तो मैंने बोला मैं भी अप्लाई कर देता हूँ। तो उन्होंने रिसेप्शन पे जो थे, उन्होंने किसी एग्जीक्यूटिव को अंदर से बुलाया, उन्होंने कहा तुम क्या, ये तो क्लाइंट सर्विसिंग में कर रहे हैं, तो MBA वाला है तुम, मैंने कहा ये मेरा बायोडाटा है, तो उन्होंने कहा तुम तो कंप्यूटर इंजीनियर हो और ऊपर से लिखा है तुमने कॉलेज टॉप किया है, तो तुम कैसे क्रिएटिव होगे? तो मैंने कहा ये क्या मतलब है? तो उनका तुम क्लाइंट सर्विसिंग में कर लो। आई सेड वो एड्स बनाते हैं? इसे नहीं नहीं वो नहीं बनाते ऐसे नहीं, जो बनाते हैं वो कौन है? उसने कहा वो क्रिएटिव होते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो वही बनना है। तो कहते तुम कैसे हो सकते हो, तुम तो कंप्यूटर इंजीनियर हो। तो फिर मेरे को आई थिंक रिसेप्शनिस्ट थी या कौन था, किसी ने बोला कि एक कॉपी टेस्ट होता है, वो एक टेस्ट लेते हैं कि आप क्रिएटिव हैं कि नहीं हैं। तो मैंने बोल दिया मुझे भी टेस्ट दो। तो उन्होंने टेस्ट दिया, उसमें 24 घंटे में आपको कुछ एड्स बना के लाने होते हैं। तो हुआ ये कि मेरे कज़न का नीवा मुझे रख लिया उन्होंने। आपको याद है क्या टैगलाइन दी थी या क्या चीज़ थी जिसपे?
क्योंकि जो जिस क्षेत्र में अब आप कर रहे हैं वहां पर आपके पास समय है एक बात कहने के लिए, पर एडवर्टाइजमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आपको एक लाइन में अपने आप को अपनी बात सुना देनी। हाँ, मुझे याद है जो उन्होंने एक 3-4 एड्स थी, एक मुझे याद है उसमें था कि एक डॉग फूड होता है ना, कुत्तों का खाना, उसका उसकी एक ऐड बनानी है। और अब आप सोचिए ये क्यों खरीदें लोग, और डॉग फूड क्यों ना खरीदें। तो मुझे तो कभी मेरे पेट्स थे नहीं, मुझे तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा तो मेरे को ध्यान में आया कि जैसे शायद बच्चों को टाइम पे खाना ना मिले, अच्छा खाना ना मिले तो थोड़े राक्षसी से हो जाते हैं। तो मुझे लगा शायद ऐसे ही होते होंगे, तो मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट किया कि ये डॉग फूड है जिससे क्रैंकी नहीं होता डॉग, और उसको कुछ पेट की प्रॉब्लम्स या कुछ तकलीफें नहीं होती, शांत रहता है आपका कुत्ता। तो उसका मैंने ऐड का हेडलाइन कुछ न्यूज़पेपर से काट पीट के बनाया था, डार्लिंग मॉन्स्टर, कि ये डार्लिंग तो है आपका लेकिन ये मॉन्स्टर भी। और फिर कुछ कॉपी लिखी थी उस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का नाम भूल गया क्या रखा था। पर उसमें मतलब ये बहुत अलग तरीके के हैं, मतलब शैली अलग है पूरी तरीके से, और आमतौर पर अलग लोग होते हैं जो दोनों काम करते हैं, पर ये आपका ट्रांजिशन कैसा रहा और कितना फर्क है दोनों में? आपके लिए कितना आसान होता है एक लाइन में कहना और कितना आसान होता है एक विस्तार में फिल्म्स में? जी, एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि आपको एक बहुत लंबी चौड़ी राम कहानी किसी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की समेटनी होती है, नैरो 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 करके, फोकस करके एक लाइन या एक वर्ड या एक पिक्चर जिसको USP कहते हैं, उसमें नैरो करना होता है। फिल्म्स में क्या होता है कि आपको एक आइडिया होता है कि मेरे को एथलीट्स के ऊपर पिक्चर बनानी है, फिर आप उसको ब्रॉड 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 करके बड़ा करते हैं। तो एक तरह से आप टूल्स और स्किल सेम है लेकिन काम बिल्कुल उल्टा है। अपनी अपना जो आपका एक इतना एक तरह से ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क है, उसमें कहीं पर आपके दिल में किसी खास काम के लिए जगह रह जाती है हमेशा कि ये जो मैंने किया था? और उसमें क्या ऐसा होता है कि जो आपकी असली जिंदगी के करीब होता है? कई बार तो सिचुएशंस ऐसे भी होते होंगे ना जो आपके जीवन से मिलते जुलते होंगे, वो करना ज्यादा आसान होता है या एज एन ऑनलुकर किसी और के बारे में कुछ सोच पाना? जल्दी अपनी ज़िंदगी से जो रिलेटेड होता है, जैसे खोसला का खोसला थी, उसका फर्स्ट हाफ हमारी ही आंटी की फैमिली में हुआ था, दिल्ली में ही यहीं पर, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। और तब मैंने कुछ आइडिया लगाया था कि कुछ, मतलब मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी, तो मैं और उससे एक दिन पहले किसी ने बताया कि आपके प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया, तो तब मैंने थोड़ा आइडिया दिया तो किसी ने सुना नहीं, मैं सबने चुप करा दिया, इतनी भारी मुसीबत आ गई है, घर में शादी है, तुम क्या। तो बड़े हो गए फिर उसका सेकंड हाफ, फिर जो दिमाग में खुराफात थी वो सेकंड हाफ में कर लिया। तो वो हम लोगों के लिए वो लिखना मेरे लिए इजी था क्योंकि मैं यहीं मिडिल क्लास फिर दिल्ली वो माहौल में जानता था, तो उसमें उस तरह का लिखने का चैलेंज नहीं था, उसमें चैलेंज बनवाने के ज़्यादा चैलेंज थे क्योंकि उस वक्त इस तरह की फिल्में कभी बनती नहीं थी। और अगर आपके इतने गाने नहीं हैं, एक्शन सीक्वेंसेस, हीरो विलेन ये वो सब था तो 2000 के आसपास, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता था कि कोई पिक्चर बनाने के पैसे नहीं देता था, तो टूट टूट के पिक्चर हम किसी तरह बनाई। कभी मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, मुझे याद है, तो दिवाकर का फ़ोन आया कि म्यूज़िक के पैसे आ गए हैं जल्दी लिखो, तो मैं जल्दी जल्दी फैक्स करके मैंने कहीं से लिरिक्स भेजे ताकि वो पैसे कहीं और ना लग जाएं। फिर बनने के बाद वो 2.5-3 साल रिलीज़ नहीं हुई क्योंकि जो देखता था डिस्ट्रीब्यूटर या एग्जिबिटर वो सब कहते थे, या तो कहते थे ये पिक्चर ही नहीं है, मतलब अपनी तरह से शायद उनको एक पिक्चर का एक खाका था दिमाग में, वैसी तो नहीं थी। दूसरा एक बड़ा अजीब, सब लोग कहते थे कि ये मुझे तो समझ आ गई और किसी को समझ नहीं आएगी, तो मैं सोचता था ये तो बैक्टीरिया है, ये सिंगल सेल क्रीचर, इससे तो सिंपल ही फिल्म नहीं हो सकती, तो आप कौन से आइंस्टाइन हो गए आपको समझ आ गई किसी को। फाइनली किसी तरह वो रिलीज़ हुई और चली और आज तक लोगों को बहुत पसंद है। तो उस तो कहीं जैसे मैं भटक गया, एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कई पिक्चरें में चैलेंज लिखने का नहीं होता, बनवाने का और रिलीज़ करने का होता है। कई फिल्में होती हैं जिसमें लिखने का चैलेंज होता है, जैसे कंपनी थी, मैं तो दिल्ली से था, मुझे ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ये था कि डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा थे, वो एक सहारा था क्योंकि उनका तो है इंटरेस्ट शुरू से इसमें, वो सत्या बना चुके थे, और फिर उसमें रिसर्च करनी पड़ती है,
लेकिन वो मज़े का काम है, मज़ा आता है। यहाँ विमेंस हॉकी है, मुझे तो पता भी नहीं था कि लड़कियों की हॉकी की टीम है इंडिया की, सच बताऊँ तो। मैंने तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा था, उसको देख के मुझे इतना ख़राब, मतलब कुछ इतनी अजीब फीलिंग आई, क्योंकि उसकी जो प्लेसमेंट थी इतनी छोटी सी पीछे के पेज पे, मुझे लगा यार क्रिकेट में हार भी जाते हैं तो फ्रंट पेज होता है, ये जीत के आई है यार, और इतना सा उस टाइम उसको 10 कॉलम सेंटीमीटर। तो मैं थोड़ा उसमें ऐसे ही अपने इंटरेस्ट की वजह से घुसने लगा कि ये कुछ गलत है, ये मतलब ये कुछ ठीक नहीं है जो भी है। तो वो करते 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 इसमें 1.5-2 साल टीम्स का पीछा करते करते स्टेडियम्स में, यहाँ पे भी नेशनल स्टेडियम में, यहीं पर तो टर्फ है अपना हॉकी, हाँ तो पुराना नेशनल स्टेडियम होता था तब, तो उसमें उसमें चैलेंज दूसरी तरह का होता है कि आपको सीखना होता है और आपको कुछ आता नहीं है, और फिर थोड़ा सा वो चैलेंज होता है कि आप उस तरह के साथी जुटा पाएंगे, उस तरह की बैकिंग जुटा पाएंगे कि उस टाइम, आज के टाइम में भी शायद उस तरह का सब्जेक्ट कोई पागलपन वाला सब्जेक्ट माना जाता था, कि उस टाइम वो NRI वगैरह फिल्म्स का दौर था, तो कह रहे थे आप शाहरुख खान को ले रहे हैं और इस तरीके से उनसे करवा रहे हैं, हीरोइन कौन है? तो मैं कहता था सारी हैं, क्यों हीरोइन क्यों है? क्योंकि नेशनल प्लेयर्स हैं, इसकी डेफिनेशन, ये हीरोइन की डेफिनेशन होती है अगर कोई नेशनल प्लेयर। बहुत सारी चीज़ों को आपने ब्रेक किया था, मतलब वो मौके मिले, रोमांटिक कपल नहीं है उसमें जी। दूसरी चीज़ है कि मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत हुई खेलों पर फिल्म में बनने की, जहां जो लोगों को स्वीकार की, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे फिर मिथाली राज की जीवन पे आज बन रही हो, धोनी पर बनी हो या फिर अजहरुद्दीन पर बनी हो, उससे पहले खेलों पर बनी कोई फिल्म नहीं चली। और आई थिंक वो उस टाइम ये भी था कि शायद हमसे एक अच्छा हो गया कि वो फिल्म एक प्रॉमिस की वजह से बनी थी, फिल्म बनाने की वजह से नहीं बनी थी। घोसला के घोसला रिलीज़ हो नहीं रही थी और मैंने सोचा था अब नहीं जाऊंगा बॉम्बे वापस, जब हम लोग दिल्ली में बना रहे थे। तो उस वक्त मैं ये न्यूज़पेपर आर्टिकल और इसके पीछे पड़ा, मेरा आइडिया ये नहीं था फिल्म बनाने का या कुछ, तो मैं तो सोच रहा था छोड़ देता हूँ, अब 2-3 फिल्में हो गई समझ आ गया, रिलीज़ विलीज़ तो होती नहीं। यही नेशनल स्टेडियम में मैं एक्चुअली उस टाइम जिस तरह से नेशनल टीम्स के हालात हुआ करते थे, आज तो कहीं बेहतर हैं, तो तब स्पॉन्सर नहीं हो, जो फिल्म में एक डायलॉग है ना स्पॉन्सर है ना कोई दर्शक है, वो सच था। तो मैंने हाथ खड़ा करके, जब आप रिसर्च कर रहे होते आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं प्रोफेशनल रिसर्चर नहीं था और इन्वॉल्व हो गया, और मुझसे देखा नहीं जाता था, कोच कौशिक टीम वाले जगह जगह जाकर मतलब लिटरली भीख ही मांग रहे एक तरीके से, स्पॉन्सरशिप की, कोई किट की, किसी लैपटॉप की, वीडियोग्राफर के। तो मैंने बोला मैं यार, मैं ना एडवर्टाइजिंग में बहुत साल रहा हूँ, मैं ले आऊँगा ब्रांड्स, इसमें क्या बड़ी बात है, नेशनल टीम है। मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैं उनके साथ 1 साल स्पेंड कर चुका था धक्के खाते हुए, तो जो मेरी नज़र में जिसको हम फिल्म में कहते हैं लार्जर देन लाइफ जगह थी उनकी, पब्लिक की नज़र में नहीं थी, पब्लिक को तो पता भी नहीं था उनके। तो जब मैं एडवर्टाइजिंग लोगों के या ब्रांड्स के पास गया, मैंने कोई ब्रांड नहीं छोड़ी, मतलब मैं हेल्थ ड्रिंक से शुरू हुआ था, मेकअप तक आ गया, जो मतलब एथलीट्स के लिए मेकअप नहीं होना, पर आ गया, मजबूरी थी, कुछ नहीं हुआ। सब लोग ये बोल रहे थे अरे आप तो बॉम्बे से फिल्म्स कर रहे हैं, सुना है उस टाइम वहाँ Dhoom 2 शायद बन रही थी, तो कुछ बता रहे थे कि उसमें आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट करवा दीजिए, इतना इतना है, और नेशनल टीम की बात आती थी या ना कोई दर्शक है ना कोई, वही लाइन इंग्लिश में आ जाती थी। तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था, तो मैं यहीं वापस आया पुराने नेशनल स्टेडियम में, कोच कौशिक थे, टीम थी, टीम मैनेजर अनुरिता सैनी थी, वो भी एक्स ओलंपियन है, मुझे अभी भी याद है कि ममता थी और एक और प्लेयर थी, आई थिंक शायद जसजीत थी। उस टाइम पुराना नेशनल स्टेडियम का रखरखाव इतना ख़राब था ना कि वो टॉयलेट्स में बल्ब चोरी हो जाते थे और पुरानी शिट होकर पत्थर जैसी हो जाती है ना, वैसी होती थी, तो वहाँ तो नहीं टीम जर्सीज बदल, तो 2 लड़कियों ने ऐसे जर्सी पकड़ी हुई थी और एक पीछे चेंज कर रही थी, ये नेशनल है। तो मेरे को ना रोना, हाँ मेरे को रोना आ गया जी। क्योंकि मैं आया, उन्होंने कहा भैया को छुआ और मैं रो ही पड़ा। तो फिर मैंने उनके सामने, तो बड़ी बात नहीं, मैंने कोच कौशिक और आदित्य शेट्टी टीम के फिजियो थे, उनको बोला मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन
अगर मुझसे हो सका एक दिन ऐसा होगा इनके ऊपर फीचर फिल्म बनाऊंगा और या बनवाऊंगा जैसे भी, और एक दिन ये सारी सारी बड़ी ब्रांड्स इसी दिन इस नेशनल स्टेडियम पे आएंगे और उस दिन ये टीम उनको टाइम ना दे, ये मेरा सपना है। ऐसे ही मैंने बकवास कर दी मतलब इमोशन में आके, पर उस वही प्रॉमिस के बल पे अगले 2-3 साल कैसे निकल गए पता नहीं। लोग मिलते गए, ये बात मैंने हर एक को स्क्रिप्ट लिखी, ये बात मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर शाहरुख और लोग सब लोगों को बताई कि ऐसे ऐसे, जिस जिस को मैंने एक्सपीरियंस बताया वो अपने आप जुड़ता गया। सच बनाओ तो बिना किसी मेहनत के, ये बात हर किसी को लगा ये गलत है। तो अब जैसे एक मेरे बहुत क्लोज हैं वो मुझे कहती हैं कि क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, जब चक दे का हम लोग अमेरिका में थे वहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग थी चक दे की वो रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल में, तो जब यहाँ पिक्चर खुली तो मैंने यश जी को फ़ोन किया वहाँ एलए से कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बेटे कोई आया ही नहीं पहला दिन। अच्छा। और ये उम्मीद थी थोड़ी सी कि शायद बहुत कम लोग आए, क्योंकि हमने एक ट्रेलर बनाया था एक हॉकी दूंगी रख के गाना करके जिसमें सारे कैरेक्टर्स को तो वो इंट्रोड्यूस किया था, वो ट्रेलर मल्टीप्लेक्स वालों ने वापस भेज दिया था ये कह के कि लोग हुटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हीरोइन बनेगी ये हीरोइन इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो लेकिन खैर उसके बाद ये फ्राइडे था, संडे तक सारा देश हाउसफुल जा रहा था। तो एक सच सच बात मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपके मन में ये एहसास है कि नहीं, अगर शाहरुख खान नहीं होते तो क्या ये फिल्म इतनी ही वेल रिसीव्ड होती? मुझे लगता है 2-3 चीज़ें, एक तो शाहरुख के होने से स्टूडियो बनाने वालों को एक तसल्ली हुई, वो तो होती है ना बेचने में, हाँ वो स्टारडम की बात है उनके वो जो है। दूसरा है कबीर खान और शाहरुख खान का कॉम्बिनेशन, वो एक आर्टिस्टिक बात है। तो ये हो सकता है कि मेरे को लगता है शायद, मुझे पक्का नहीं पता क्योंकि वो काफ़ी उन्होंने 8 फिल्में भी करी हुई हैं शाहरुख ने, लेकिन शायद शाहरुख की लाइफ की सबसे कम ओपनिंग्स चक दे की होंगी जब जब होगी, तो शायद शाहरुख खान स्टार वो ओपनिंग नहीं लगवा पाया, लेकिन 24 घंटे में शाहरुख खान एक्टर ने सारे हाउसफुल कर दिया और ऑफकोर्स बाकी सारे एक्टर्स ने, सिर्फ शाहरुख खान ने नहीं। मतलब अगर एक अच्छी कहानी है तो सुनने वाले बैठे हुए हैं, ध्यान खींचने की देरी है, हो सकता है सब आपस में मशगूल रहे कोई सुन नहीं रहा हो, लेकिन जब एक ने सुना दूसरे ने सुना ऐसे करके, यानी अच्छे काम की इज्जत हो ही जाती है। हाँ आखिर में हो ही जाती है, यही है कि अच्छे काम को ऑडियंस तक पहुंचने के रास्ते बाजार में तब बहुत कम हुआ करते थे, आज थोड़े थोड़े खुल रहे हैं। तो अब कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमें क्या पता किसके नोटबुक में अच्छा काम है, होगा लेकिन अब बेटर थोड़ा हो गया, लेकिन बहुत फ़र्क है। मैं कई बार सोचता हूँ, मैं दिल्ली में पला बड़ा, पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बहुत अमीर नहीं थे लेकिन कमी तो नहीं थी ना किसी चीज़ की, खाना पानी ठीक था, अच्छे स्कूलों में गया, हिंदी आती थी इंग्लिश आती थी, बहुत एडवांटेजेस होते हैं कई बार किसी जगह में बड़े होने के, किसी तरह के स्कूलों में पढ़ने के, जो आपके लिए आगे जाके दरवाजे खोलते हैं जी। और वो एक सीक्रेट सुपर पावर होती है, छोटी होती है लेकिन होती है। तो इसलिए जब हम अब स्क्रीन राइटिंग फेलोशिप्स करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा इस पे ध्यान रहता है कि यार ये मत देखो इंग्लिश में कौन भेज रहा है, क्योंकि जो इंग्लिश में भेज रहे हैं ना पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश भी एक तरह से अब इंडियन लैंग्वेज है, लेकिन देखो दूसरी लैंग्वेजेस में कौन कौन भेज रहे हैं, क्योंकि जो स्क्रीन राइटिंग की जो पढ़ाई है जो खुद सीखना होता है वो सारी इंग्लिश में है, क्योंकि इंडियन किताबें हैं ही नहीं। तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं स्क्रीन राइटिंग फेलोशिप्स और चूज़ करने में, क्योंकि पता है कि सिर्फ एक खास जगह पे पैदा होने से या खास लैंग्वेज जानने से आप आगे बढ़ सकते हैं या पीछे बढ़ सकते हैं, और आपका टैलेंट कहीं शॉर्ट चेंज हो सकता है। तो जहाँ मौका मिले हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा पंप कर दें वहाँ पे। आपकी शख्सियत का अब तीसरा पहलू जी सॉरी आपकी शख्सियत का वो तीसरा पहलू, अब हमने एडवर्टाइजिंग के लिए जो आप लिखते हैं एक लाइनों में जो बात कर देनी है, फिल्म जो आप थोड़ा और विस्तार से लिख रहे हैं, और गाने, ये तीसरी अलग खूबी हो जाती है। एक्चुअली है तो सब कम्युनिकेशन ही, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे को औजारों से प्यार हो गया था,
तो और एक ये गाने हमारी फिल्मों का तो बहुत ही तो बड़ा पहला सोच कर लिखा था या पहला बस निकल गया था तो लगा कि ये भी कर लूँ? पहले एक्चुअली मैंने यहाँ दिल्ली में मैं लिरिसिस्ट एक्चुअली पहले था, हम लोग यहाँ शिवानी कश्यप की एल्बम लिखी, फिर पलाश, यूफोरिया, मायरी और वो सब गाने उनके साथ लिखे, शिवा मुद्गल अब के सावन में मैंने और प्रसून ने गाने लिखे। तो एक्चुअली गाने लिखने पहले थैंक यू, तो एक्चुअली साथ ही अच्छे थे सारे, तो वो गाने पहले लिखने शुरू किए थे। जब फिल्म लिखनी शुरू करी तो फिर गानों उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि हमारी फिल्मों के गाने इतने बड़े हिस्से हैं, ये एक ना ग्रेट आर्ट फॉर्म है दुनिया की। कई लोगों को शर्मिंदगी भी होती है कि यार इनकी पिक्चरों में इतने गाने होते, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब बल्कि पिछले कुछ सालों में फिल्मों में गाने कम होते जा रहे हैं, और मैं ही अपनी कुछ फिल्मों में जैसे मैंने रॉकेट सिंह में लिप सिंह गाने नहीं रखे, लेकिन कई बार मुझे लगता है यार मतलब कांजीवरम साड़ी गायब हो जाएगी दुनिया से। सही बात है, ये क्या, ये तो हमारी पहचान है ना, लेकिन वो एक फॉर्म है सिर्फ, फिल्म एक मीडियम है, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स है, बंटी और बबली भी उसकी एक फॉर्म है, रॉकेट सिंह भी उसकी एक फॉर्म है, चक दे भी उसकी एक फॉर्म है। तो ये हाँ, तो गानों का एक तो ये है कि ये चोली दामन का साथ रहा है हमारी फिल्मों से, और हम गानों में इमोशन सोचते आए हैं रेडियो सुन सुन के हम सारे, क्योंकि आपका दिल टूटता है या आप किसी का दिल तोड़ते हो उसकी पहली आ गाने के किसी लाइन से ही निकलती है, बख्शी साहब या मजरू साहब। जयदीप जी होता है ना, कविताएं लिखने वाले श्रृंगार रस के कवि अलग होंगे, वीर रस के कवि अलग होंगे, पर आपकी गीतों में अगर हर रस निकल आ रहा है तो वो तो साहित्य की उस रटी रटाई लीक को तोड़ने वाली बात भी हो गई। एक्चुअली हाँ, तो वो ये इसका दूसरा पार्ट है कि गाने एक तरह की स्टोरी टेलिंग फॉर्म भी तो हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम कंपनी कर रहे थे तो हमने स्क्रिप्ट के साथ ही उसमें मैंने सब गंदा है पर धंधा है लिखा था शुरू में ही पहले 5 मिनट में। उसका कारण ये था कि लोगों को इस फिल्म में जल्दी से बता देना कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे अपने काम के बारे में सोचते हैं, अच्छे बुरे जो भी है ये ऐसे सोचते हैं। अगर उसको वो गाने में इतनी क्विकली हम नहीं बता पाते तो पूरी फर्स्ट हाफ सत्या बन जाती जो पहले बन चुकी थी इतनी अच्छी फिल्म, तो हमारा 1.5 घंटा बचाया उसने। या फिर मैं बंटी और बबली का एग्जांपल देता हूँ, जब स्क्रिप्ट लिख ली तो मैं और शाद जो डायरेक्टर है हमें लगा गुलजार साहब लिखेंगे तो अच्छा होगा गाने, गुलजार साहब के पास गए, उन्हें नरेशन दी तो उन्हें अच्छी लगी, फिर कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आया, अच्छा मैंने पहला गाना लिख लिया आ जाओ सुनो। तो हम सुनने गए, उन्होंने लिखा था, मेरे को याद है 2 लाइनें, पहली 2 लाइनें मैंने सुनी, छोटे मोटे शहरों से खालिद बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले, मैंने बोला गए 4 पेज बिकॉज उन्होंने निपटा दिए मेरे 4-5 पेज 2 लाइनों में, क्लास होती है एक राइटर की। तो हमारे स्क्रिप्ट के 7-8 मिनट उन्होंने बचा दिए, और तो ये एक एग्जाम्पल है। मैंने भी कई स्क्रिप्ट में ऐसा करने की कोशिश की, हम टाइम सेव होता है। सो इट्स ऑल्सो जो आप कह रहे हैं ना कि डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग सॉन्ग्स, कोई खड़ी बोली में होता है, कोई जैसे ओरे पिया था वो एक माहौल था पिक्चर का, तो उस माहौल में मैंने लिखा, उस तरह की भाषा, उस तरह के अंतरे, क्योंकि जो कैरेक्टर माधुरी प्ले कर रही थी उनके गुरु उस जनरेशन के थे और उस माहौल के थे। लेकिन शुद्ध देसी रोमांस के गाने तो वैसे नहीं लिखे थे, वो तेरे मेरे बीच में क्या है थे, यहाँ जॉनी गद्दार का टाइटल ट्रैक था, तो वो पिक्चर उस तरीके की थी। तो उसमें फिल्म के साथ गिरगिट की तरह सॉन्ग राइटर को रंग बदलना पड़ता है कि फिल्म के किरदार कैसे हैं, वो कैसे बोलते हैं, अगर वो फ़र्ज़ करो गाएं तो कैसे गाएंगे, तो उसमें एक क्राफ्ट वाली भी बहुत बड़ी बात हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उसमें। क्योंकि क्या होता है, जब आप अपनी पिक्चर लिख रहे होते हैं, जैसे मैं चक दे के गाने लिख रहा हूँ, मैंने मौला मेरे या चक दे टाइटल ट्रैक या बादल पे बाहुली का, मुझे पता है मेरे कैरेक्टर है, मुझे पता है वो कैसे सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं, आराम से निकलता है। लेकिन अब मैं तुझमें रब दिखता है लिख रहा हूँ, रब यहाँ रब ने बनाई, यहाँ बेफिक्र के दूसरे गाने मैं भूल गया कौन कौन से थे, तो नशे सी चढ़ गए, तो वो दूसरी तरह की फिल्म है, दूसरी तरह की फॉर्म है, वो रॉकेट सिंह नहीं है, वो चक दे नहीं है। तो वो तब ऐसा होता है कि आप किसी और की पेंटिंग है उसमें 2 ब्रश आप भी लगा रहे हैं, तो आपको उस पेंटिंग की और उसके माहौल की और उसके रंगों की इज्जत करते हुए मैचिंग कलर में अपना काम कर जाना है, ऐसे कि उसकी पेंटिंग ख़राब ना हो सके तो थोड़ी ऊपर ही उठा दो जी। तो यहाँ जैसे रॉकेट सिंह है, पंखों को हवा ज़रा सी लगने दो,
वो अब बंटियर बबली में कैसे नहीं कर पाएंगे जी, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें मज़ा भी आता है, क्योंकि आप स्क्रीन राइटिंग कर रही हैं तो वो एक डेढ़ साल सीखने में, मेरे केस में मुझे आता ही नहीं था ज़्यादातर सब्जेक्ट जो मैंने किए थे, सीखा, रिसर्च करी। सॉन्ग राइटिंग उसमें ना बहुत स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। अच्छा, कि आप थोड़ी मस्ती कर लो, अपना आप तो अपना रूबिक्स क्यूब कर रहे हो, किसी और के पज़ल में जाके थोड़ी सी फ्रेंड की पिक्चर में थोड़ा सा उसका सॉल्व कर दो, अपने उससे दिमाग हटता है। तो हैं तो सारी चीज़ें स्टोरी टेलिंग ही एक तरह की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जयदीप। थैंक यू। और जिस शख्सियत से अब मैं आपका परिचय कराने वाली हूँ, दरअसल मेरी भेंट आज उनसे पहली बार हुई और यकीन मानिए जो सोचा था जो समझा था उससे काफ़ी अलग निकले। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, जाने माने निर्माता निर्देशक, लेकिन स्टेज पर आने से पहले पता है उन्होंने क्या कहा? सर मत कहिए, रोम बुलाइए। रोम यानी कि उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म। तो रोम को मैं जोरदार तालियों के साथ यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी का, मशहूर और प्रतिष्ठित निर्माता निर्देशक में से एक। लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ उन्होंने मिलकर संस्मरण द स्ट्रेंजर इन द मिरर का लेखन किया है। ये पुस्तक उस फिल्मकार के समृद्ध अनुभवनात्मक बहुआयामी जीवन का वर्णन करती है। इन्होंने रंग दे बसंती, दिल्ली सिक्स और भाग मिल्खा भाग जैसी तमाम मशहूर फिल्मों का निर्देशन किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये पुस्तक जो हाल फिलहाल राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने लिखी है, उनके निस्वार्थ जीवन के हर एक पहलू को उजागर करती है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुशी से पीछे हटता है और विशेषज्ञों को अपना काम करने देता है। ये पुस्तक चाय बिस्किट वाले कॉलेज के दिनों से लेकर शैंपेन की पॉपिंग तक पहुंचाती है। तो चलिए इस सत्र का आगाज करते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए राकेश जी के लिए। राकेश जी, ये जो पुस्तक आपने लिखी है